And I might as well confess. स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। समर का टाइम है, थिंग्स ऑब्वियसली बेटर होने लगी हैं। इस वक्त बज रहे हैं 1 वियना में और मैं इस वक्त हूँ बुक थिएटर में। सामने है राथ हाउस जो है सिटी हॉल। यूजुअली टूरिस्ट जो आते हैं वियना में वो हमेशा फियाका टूर्स करते हैं। 2-3 टाइप के टूर्स हैं फियाकास के। वी चोज नियर दी राथ हाउस जो सामने देख सकते हैं आप, और फियाका हमने मंगवाई है। 40 मिनट का ये टूर राइड होने वाला है। हमने इसका पे किया है कुछ करीबन 80 यूरो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वेट करते हैं जनाब का आने का और जैसे ही आते हैं टूर शुरू करते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम और द हॉर्सेस नेम? एवरीवनस नेम। द लेफ्ट वन इज गोल्डी, द राइट वन इज केल्विन एंड आई एम मार्टिन। So Goldie, Kelvin, and Martin. That's Martin. On the right side, the second oldest university in Europe, the University of Vienna. Right in front of us, we got the last remaining part of the former city wall of Vienna. Okay. And in the White House above us, Beethoven used to live. That's also the place where he wrote his 4th, 5th, 7th and 8th symphony. Where are you guys from? So I'm from India. Okay. And I'm Austrian. She's Austrian. Okay. Yeah, I'm not the police. Okay, so to give you a quick reference guys, ye Winter Palace hai, Royal Family ka, and this is the church which was made for the servants of the Royal Family. So ye jo ruins dekh rahe hain aap, pehle yahan pe subway station banane wale the, but kyunki gadda khodne ke baad they found the ruins, so 100 meters away yahan se subway station ko shift kiya gaya, yahan pe nahi banaya. The Naturhistorical Museum and on the left side the Art Historical Museum. Okay. Ye hai the oldest auction house in the world. दुनिया में सबसे पुराना। Haven, Vienna's most expensive shopping street. In front of us, the Peter's Church, one of Vienna's most beautiful Baroque churches. बंदा क्या सही चला रहा है यार। छोटी छोटी गलियों से निकल रहे हैं बाहर। तो ये कैफे सेंट्रल वियना, अगर आप आ रहे हैं और आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ मिलती है। ये सिटी हॉल में मैं आपको बता रहा था, राथ हाउस, और जो आपने पुराना एक ब्लॉग देखा हुआ जिसके हम आइस स्केटिंग कर रहे हैं, तो ये वो एरिया था, दैट्स द ग्राउंड जहाँ पे हम आइस स्केटिंग वगैरह कर रहे थे। जून जुलाई के टाइम पे यहाँ पे गे परेड होती है, प्राइड परेड होती है, जो फैंटास्टिक होती है, बहुत ही बड़े दौर पे की जाती है। और जो रिंग सर्कल, जो रिंग स्ट्रीट पे हम हैं इस वक्त, वहाँ पे वो प्राइड परेड होती है। ब्यूटीफुल लगता है बहुत। Okay. We enjoyed the tour. So, निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच।
तुम लोगों को ये सारे टूर कराते कराते ना मेरा खाना टाइम पे नहीं हो रहा है, ना मैंने ठीक से नाश्ता किया, 3 बज रहे हैं यहाँ पे, ना लंच हुआ, लंच करने आए हैं मैडम और मैं, तो खाना खाते हैं, साइन ऑफ करते हैं। होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ज़रूर कर देना भाई, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, शुक्रिया आपका। और ये अयोली ब्रेड और सैलड, आप भी अच्छा खाइए, मैं भी अच्छा खाता हूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए अच्छी अच्छी सेहत बनाते हैं, मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, सी यू, बाय बाय।